डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, गाना बजा दो, इससे ज्यादा क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती। हाँ, नहीं हो सकती क्योंकि आई एम अ बोरिंग पर्सन। डीजे वाले बाबू, सो दिस इज अ मूवी ट्रेलर, ठीक है, जिसमें गुलजार हैं। हम उनके पूरी कास्ट के बारे में बात करेंगे कौन कौन है, बट बिफोर वी जंप इनटू द वीडियो मैं आपको मूवी का हल्का सा प्लॉट बताना चाहता हूँ। इसमें गुलजार एक बाबू होते हैं जो डीजे वाले होते हैं। अच्छा। और जो उनकी वाइफ जो इसमें रोल प्ले कर रही है माही, वो उसको कहती है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। वो गुलजार कहता है गाना तो किसी और का क्यों चलवा रही है जब मैं खुद सिंगर हूँ। तो पूरी मूवी इस प्लॉट के ऊपर है, ठीक है। लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो गाइस। Hey, good morning, good evening, ladies and gentlemen. Namaskar, my name is Nikhil. Namaskar, everyone. I'm Bani and I welcome you all to the Sorted TV. This is the one-stop channel for all your entertainment on YouTube and Ram Ram Ji. All right, guys, with the review for the movie trailer DJ Wale Babu, starring Gulzar Sahniwala and Mahi Gaur. This is a Haryanvi movie, first of and all. And husband wife first time are movie. हाँ, ये तो बहुत गहराई वाली बात है। हम इसके अंदर थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं कि जो movie का title है that is named as the DJ वाले बाबू। I'm not sure कि ऐसा क्यों रखा गया है। वो and इसमें DJ वाले बाबू मेरे ख्याल से गुलजारी होंगे। Exactly, मेरे ख्याल से he'll be a DJ or something like that. वो हम देखेंगे, देखेंगे ट्रेलर में। स्टारिंग गुलजार सहनीवाला, माही गौर, मुकेश तिवारी, बलविंदर बुलेट, आशीष दुग्गल, आशीष नेहरा, हरजीत वालिया, यस, बहुत सारे लोग हैं। आप एक बार देख ले, देयर आर लॉट ऑफ स्टारिंग देयर। आई एम रियली सॉरी मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। जो मुझे मेन बात कर रही इस मूवी के अंदर जितने भी गाने हैं, जो म्यूजिक है, जो बेस लाइन है, जो सब कुछ है, दैट इज बाय गुलजार सहनीवाला। सिंगल लिरिक्स कॉम्पोजिशन गुलजार सहनीवाला, और जो मूवी का कॉन्सेप्ट है इवन उसमें भी गुलजार सहनीवाला है विद राजू वर्मा। ओके, हाँ, स्टोरी स्क्रीन प्लान डालो भैया। एक ना बंदा सीक्वेंस पे चलता है, ये सीक्वेंस ही नहीं चलते, यहाँ 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 पिकअप कर लेते हैं। हेलो, हो गया तेरा? यस। चलो, जो मेकअप है वो बिल्कुल नीचे चले गए। ओके, लेट्स जस्ट जंप इनटू द ट्रेलर गाइस। यस, 1 2 3 प्ले। यह दुनिया एक जंगल है और सब शिकार पे लिख। ये डीजे वाले बाबू है। कोई तेरा शिकार करे उससे पहला शिकारी बन जा। हम बोल रहे कि बाबू इसने किसी का सर पे बोतल नहीं मारे। बोतल के लिए ना गया, मतलब किसी का टांग नहीं मारी। सब खत्म हो गया यार। यार क्या खत्म हो गया, इतनी बाकी पड़ी है तो। हे भोले, इब्ते 16 सोमवार के 32 वर तोलिए, इब्ते कोई जिंदगी में सुथरे से छोरे की एंट्री करा दे। जय भोलेनाथ। मैं सिंगल सिंगल हैप्पी सो मन मंगल कोना होना रे हैंडल कोना होता मेरे तय रोज कर होना दोना कद का फिल्म दिखाओ कद कोड़ गप्पे खुआओ गले का ओट बैठे खा के दिल पर चोट बैठे जिद होना रांडे का। कुछ भी हो जा जेल तक छूटना नहीं चाहिए। ये राजनीति वाले ना गंदे कीड़े हुआ कोई दिन मान नहीं इनका, पर तू टेंशन ना ले बे, ईव ठोकांगे इन साड़ियां ने। इस अंगारों तो बस समय को के साथ वीडियो में याद रखेंगे। थोड़े टाइम खातर अंडरग्राउंड हो जा। सर जी, रोकथाम कब लग जाएगी इन गतिविधियों के ऊपर? अरे भाई साहब, पुलिस भी इंसान है, जनता की सेवा खातर रहना, पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी हुई। तेरे दादा की भी यही लड़ाई थी जिसके कारण ते हमने गांव छोड़ना पड़ा था। अरे तू बिचाओ साम या जगह छोड़ते हैं। तेरी जिंदगी की महाभारत शुरू होने लग रही है। ये हरियाणा की जमीन पे एक नया कुरुक्षेत्र सजेगा। इस आग ने बढ़ती रहने दिए, बारूद ये सूरज इकट्ठा कर देगा। ताब न माने कदे किसे की जड़े खने गल लड़ा रवे आर कबूतर लाके रागिणी गाड़ी के मापड़ा रवे। सही क्या करता तुम यार, जिंदगी एक जंगल है, इसमें शिकारी बनना पड़ा है, पर तन मेरे ते शिकारी बनकर बहुत बड़ी गलती करती। पंडित जी कहेगा पटले मामोच लिखी से छोरे का रातें बजे डटता हो तो डांट लियो इस घोड़े में। तो ये तो खुद ने कानून और समाज के पहरेदार बतावा है ना, इन पर क्या खतरे मारे वर्ग के गैंगस्टर पैदा हुए।
हन्ना की सुलसी रहे इसे आज सिर्फ गाने गाने बजाया करे टाइम वाले पर बंदे ही बजा दिया करे जो सीन्स लगे वो इतने प्रोफेशनल नहीं लगे ठीक है कुछ सीन्स ना ऐसे लगे कि यार इट कुड हैव बीन शॉट बेटर मतलब क्योंकि जब तुम ट्रेलर बनाते हो ना तो उसके तुम अपनी मूवी के बेस्ट सीन्स पिक करके फिर थ्रो अप करते हो जैसे वो पहला सॉन्ग आया तो आई वाज एंजॉयिंग उसके बाद जो वो ट्रांजिशन हुआ ना जब वो पैसे फेंके तो वो मुझे ना थोड़ा ऐसी लगा कि यार नहीं यार ये इसमें अभी वर्क करना बाकी है तुम्हें ध्यान हो जिसमें गुलजार जी की एंट्री हुई थी वो जो डॉन का थोड़ा सा ना वो म्यूजिक थोड़ा उससे मिलता जुलता था मुझे मतलब आई नीड टू वॉच इट अगेन बट मुझे इस ट्रेलर में ना मूवी की स्टोरी रिवील नहीं हुई अच्छी तरीके से पूरी हाँ मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक जैसे इसमें एक डीजे वाला है जिस जो समहाउ किसी गलत काम में फंस गया है और वो जेल चला गया तो कह रहा शिकार बनने से पहले शिकारी बन जाओ एंड दैट लाइन वेंट थ्रू द होल गेम कुड बी इस तरह से है कि वो अपने घर से आया है और उसके बाद सिटी में आया और सिटी के बाद सारी चीजें हुई हैं कुछ थोड़ा सा उस लाइन में लगा मतलब एग्जैक्ट नॉट पता चला है श्योर क्लियर नहीं हुआ एक व्यू से क्लियर नहीं हुआ और जैसे मैंने बोला कि मुझे थोड़ा प्रोफेशनल टच जो मतलब मूवी का होता है ना वो थोड़ा कम लगा मे बी जस्ट द फर्स्ट मूवी ऑफ गुलजार तो वी डेफिनेटली गोना सपोर्ट इट हम जाएंगे थिएटर्स में अगर जहां जहां लगेगी हम देखेंगे yes. अगर किसी ओटीटी जहां लगेगी वहां नहीं देखेंगे हम एक जगह लगेगी वहां जाके देखेंगे जहां ओवर द एयर कहीं पे मतलब कोई चैनल या फिर Amazon या फिर कहीं पे आती है तो जरूर देखेंगे और हम उसका रिव्यू देंगे सो कीप सपोर्टिंग गुलजार सन्नीवाला गाइस दिस इज डीजे वाले बाबू एंड लेट्स सी इसके और क्या झलक आती है सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन एडियोस एडियोस. We'll be right back.